भाई कन्नड़ी टीम आ गई, ग्राउंड की टीम कहाँ है? जो ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए अलग से मैच होगा क्या? राजीव गांधी की टीम 65 kg ए। अगले मैचों के लिए टीम तैयार हो जाए। बैसवाल वर्सेज शास्त्री एकेडमी मारा, नोटा स्कूल वर्सेज मिनी स्टेडियम कथोड़ा। अगली टीम चार टीम ध्यान दें, बैसवाल वर्सेज शास्त्री एकेडमी मारा, नोटा स्कूल वर्सेज मिनी स्टेडियम कथोड़ा। बेटे जल्दी आ करो, देखो लगता। हेलो शाबाश, ऑफिशियल आ जाओ जी। 10-2-10 के सभी मैच होंगे, कोई मैच कम नहीं होगा। 10-2-10, हाँ मैच शुरू कराओ जी। ब्रेक ना दो, टूर्नामेंट में समय पूरा दो। सर लाइन अप हो जाए। गुरु जी एक बार जाइयो मंच पे, अपने मेहमान आए हुए हैं। लाइन अप का मतलब क्या होता है? लाइन अप बोलो, बाद में कर लेना। ये जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कैथल श्री अमरजीत जी और विजय मलिक जी सीओ जिला परिषद हमारे इन खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए मैदान पर उपस्थित हैं और खेलों से संबंधित हैं। अमरजीत खेल अधिकारी हैं और खुद एक बहुत उम्दा किस्म के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, वो हमारे बीच में हैं। दोनों टीमें बेटे एक बार बैठ जाओ, फिर हम का नाम लेंगे, हम आपको समय देंगे। चलो बैठ जाइए खिलाड़ी, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। आजा भाई शामिल हो जाओ, फोटो में शामिल हो जाओ। एक फोटो के लिए जी, खिलाड़ियों के साथ हमारे मेहमानों का ये फोटो। खिलाड़ियों के बीच में अगर खेल अधिकारी और खेल से संबंधित हमारे अतिथि हो तो हमारा गौरव और बढ़ जाता है। इसी स्टेडियम में अमरजीत जी ने वो खिलाड़ी तैयार किए हैं जो अपने आप में एक एशिया लेवल तक, ओलंपिक लेवल तक तैयार हुए हैं। ध्यान कर लो बेटा, वहां का जिक्र छोड़ दो, अब ध्यान यहां लगाओ। जो कार्य आप कर रहे हो फोकस वहां डालो। हमारे बीच में श्री देव चौधरी जी जो कि सीए हैं, हमारे मेहमान के रूप में आए और इस आयोजन के लिए 1100 रुपये का योगदान उन्होंने कमेटी को दिया है। धीरज चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री एकेडमी मारा वर्सेज बैसवाल मैदान नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। ये मैच बिल्कुल आधे मिनट 1 मिनट का बचा हुआ है। शास्त्री एकेडमी मारा वर्सेज बैसवाल। नौथा स्कूल मिनी स्टेडियम कथोड़ा मैदान नंबर 1 एकेडमी मारा बैसवाल मैदान नंबर 2 पर पहुंच जाए, समझ लेना यह मैच समाप्त हो गया है।
बोनस की ट्राई अगेन। इजी पॉइंट 11 नंबर के लिए, एक पॉइंट और मेजबान टीम के खाते में जोड़ता हुआ कन्नड़ी जिला फतियाबाद की टीम है हमारी स्टेडियम की बिल्डिंग की साइड, और जो हमारी लेफ्ट साइड टीम है मेजबान टीम बहुत ही मेहनती ईमानदार कर्मठ हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कबड्डी कोच श्री दिनेश कुमार जी खराब यहीं पर प्रैक्टिस कराते हैं और उन्हीं बच्चों का मैच चला हुआ है। इन बच्चों ने तीन तीन टीम इस वेट कैटेगरी में खेल रही है, जबकि एक टीम अभी तक है हार का मुंह देखना पड़ा। दो टीम टूर्नामेंट में बनी हुई है, उनमें से एक टीम आपके सामने खेल रही है जिसका मैच कन्नड़ी के साथ है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन कैच, फिर बता रहा हूं, शास्त्री अकेडमी बैसवार मैदान नंबर 2 पर पहुंच जाए। नौटा स्कूल मिनी स्टेडियम कतूरा मैदान नंबर 1 के लिए तैयार रहे। सुपर है, बहुत बढ़िया, सुपर है। एमडीयू की टीम काफी आगे चल रही है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हर गेम में, चाहे एथलेटिक्स की बात है, बास्केटबॉल की बात है, क्रिकेट की बात है, कबड्डी की बात है, या फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, बहुत से गेम होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी देश में ही नहीं दुनिया में जाकर अपना नाम कमाती है, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे नेशनल गेम की बात है, उसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं। और एक हमारा यूनिवर्सिटियों का भी नेशनल गेम की तरह 8 टीमों का टूर्नामेंट होता है, उसमें भी हमारा विश्वविद्यालय बहुत सारे पदक लेके आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब दुल साहब को जितनी बधाई दी जाए कम है, और सभी कोचिज को भी बहुत बहुत